शनिवार को शिमला में कसुमटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और कसुमटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं से एकजुटता से कार्य करने का आग्रह किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कसुमटी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कसुमटी कांग्रेस की एकजुटता की प्रशंसा करते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह से सभी को एकजुट रहना है। इस मौके पर विधायक अनिरुद्ध सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, भाजपा की जनविरोधी नीतियों से देश व प्रदेश के लोग परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश व प्रदेश के लोगों के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने देगी। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कसुमटी विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी कसुमटी के लोगों ने उन्हें दी है, उसे वे हर हाल में पूरा करेंगे। AICC है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश द्वारा सारी जो कमेटीज थी, चाहे डिस्ट्रिक्ट की थी, स्टेट की थी, ब्लॉक की थी, बंद करी गई थी और काफ़ी समय हो गया था। और उसके मद्देनज़र पार्टी प्रेसिडेंट के आदेश द्वारा जो है गठित ब्लॉक, सबसे पहले ब्लॉक गठित करने थे। हम लोगों ने कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, उनसे सुझाव लिए और उन्हीं की रजामंदी से जो है, जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो नए अध्यक्ष बने राशि रामकृष्ण शाणी जी, जो कि ग्राम पंचायत चम्याना से ताल्लुक़ रखते हैं और 40 साल से जो है पार्टी को उनका योगदान उनका साथ में है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और पहली मीटिंग जो है वो हमने आज कांग्रेस भवन में रखी है। अच्छा रिस्पांस है, लोग काफ़ी आए हैं। और क्योंकि पिछली रात को तो आपको पता है कि बर्फ़ पड़ी थी, कुफरी बंद है और फागू बंद हो गया था, तो काफ़ी भी उसके बावजूद काफ़ी संख्या में लोग हैं। मैं समझता हूँ कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में एक नया बूस्ट मिला है और ज़रूर हम आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव भी अभी आ रहे हैं, इसमें हम लोगों के प्रधान जो है मैक्सिमम जीत के आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।